स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे सेवंथ क्लास के एसएस के प्रथम लेसन, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पड़ताल का मतलब होता है किसी भी परिवर्तन के बारे में पता करना कि वो परिवर्तन हुए क्यों और किस लिए हुए, और दूसरी बात इसके बारे में पता करना यानी कि इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार शिलालेख, लिखित सामग्री, सिक्के तथा भवन निर्माण कला का सहारा लेते हैं। इतिहासकार इन वस्तुओं में काल का निर्धारण करते हैं, इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसमें इससे इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, जाति पंचायत। अपने सदस्यों के व्यवहार में नियंत्रण रखने के लिए जातियां समय अपने अपने नियम बनाती हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इन बड़े बुजुर्गों की सभा को कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इस प्रकार से 700 से 15 ईसा के काल में हिंदू धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। उनमें ये थी कि नए जो थे देवी देवताओं की पूजा आरंभ की गई थी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करा गया था, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व कम हो गया था, फिर प्रति आंदोलन शुरू हो गए थे और इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था। इसी प्रकार 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज साहित्यकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा, हिंदू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग। अंग्रेज इतिहासकार यह विभाजन इस विचार पर आधारित रखते थे कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। इनके विचार में अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता।